हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नारायण कलेक्शन। स्वागत है आपका अपने चैनल नारायण कलेक्शन में। सो आज हम फिर से आए हैं एक और न्यू प्रोडक्ट के साथ, दैट इज़ कार रेफ्रिजरेटर। सो जैसा कि हर प्रोडक्ट में आपको दो दो ऑप्शन मिलते हैं सेम प्रोडक्ट में, तो इस प्रोडक्ट में भी आपको दो ऑप्शन मिलने वाले हैं, दैट इज़ हीटिंग एंड कूलिंग बोथ। जी हाँ, दोनों ऑप्शन आपको एक ही रेफ्रिजरेटर में मिलने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो विदाउट स्किप किए पूरी वीडियो देखिए, सो दैट आपको पता चले कि ये प्रोडक्ट आपको क्या क्या फीचर्स देने वाला है और इसमें आपको क्या क्या प्रोवाइड होने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल फर्स्ट एंड हिट द बेल आइकन, सो दैट आपको ऐसी ही वीडियो आगे सबसे पहले देखने को मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे सो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, हम आ चुके हैं अपने प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग के लिए। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारे प्रोडक्ट की बॉक्स पैकेजिंग एग्जैक्टली है कैसी और उस पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। सो ये है हमारा वो प्रोडक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, कार रेफ्रिजरेटर। इसके प्रोडक्ट पे आप जैसे देख सकते हैं, इसके बॉक्स पे काफ़ी कुछ मेंशन है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो ये जो आपका कार रेफ्रिजरेटर मिलने वाला है वो पोर्टेबल है, आप इजीली इसे कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। और इसकी कैपेसिटी आपको मिलने वाली है 7.5 लीटर विद कूलिंग एंड वार्मिंग ऑप्शन। और अगर बात करें इसकी टेम्परेचर की, तो अगर आप कूलिंग का ऑप्शन चूज़ करते हैं तो 15 to 25 degrees Celsius तक ये कूल करता है, और हीटिंग के ऑप्शन में ये 60 डिग्री सेल्सियस तक आपका हीट के ऑप्शन तक जाता है। और कैपेसिटी के बारे में आपको मैं बता चुकी हूँ। चलिए इस प्रोडक्ट को अनबॉक्स करके देखते हैं कि इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। गाइज, इसकी पैकेजिंग जो दी गई है वो बहुत ही सिक्योर दी गई है। अगर हम इसे इन ट्रांजिट जैसे शिप एंड ऑल करते हैं तो बहुत ही अच्छी पैकेजिंग दी गई है, ये डैमेज बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें ऊपर भी थर्माकोल लगाया गया है और देन इस पर ये पॉलिथीन लगाई गई है। और ये है हमारा वो प्रोडक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो ये ऐसा लुक दिया गया है इस कार रेफ्रिजरेटर का, बहुत ही हैंडी है, आप कहीं पर भी ईजिली इसे ले कर जा सकते हैं और बहुत ही क्यूट लुक दिया गया है इसे। आप इसमें बॉक्स के नीचे भी देख सकते हैं कि इसमें भी थर्माकोल प्रोवाइडेड है, सो डैमेज होने का कोई भी सवाल नहीं है इसमें। चलिए मैं आपको इसको दिखा देती हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हॉट एंड कूल दोनों का ऑप्शन दिया गया है, और यहाँ आप अपनी केबल वायर लगा सकते हैं ईजिली। यहाँ पर आप अपना केबल वायर लगा के अपने कार से कनेक्ट कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं, इसकी बॉडी काफ़ी अच्छी दी गई है, बिल्कुल भी टूटने फूटने का डर नहीं है। चलिए इसे ओपन करके देखते हैं कि और क्या चीज़ें दी जा रही हैं इनके साथ। सो गाइज, इसमें आपको एक ये बेल्ट मिलने वाला है जिसे आप हैंग करके कहीं पे भी लेके जा सकते हैं इजीली। और ये आपको एक केबल वायर मिलने वाली है इसे कनेक्ट करने के लिए। सो ये जो है आपको अपने कार के उसमें लगाना पड़ेगा कनेक्ट करने के लिए, और ये चीज़ आप यहाँ पर ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं ऐसे। सो चलिए इसे मैं ऑन करके आपको दिखा देती हूँ कि एग्जैक्टली ये वर्क कैसे करेगा और आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे वीडियो में हम देखते हैं वो चीज़। सो गाइस, अभी हम ये जो है कार रेफ्रिजरेटर, ये घर पे ही आपको कनेक्ट करके दिखा रहे हैं। बाकी अगर आप इसे कार में कनेक्ट करते हैं तो कार में भी हो सकता है, और घर पर भी आप इसे कनेक्ट करके स्टार्ट कर सकते हैं, चला सकते हैं। घर पे अगर आपको ये चलाना है तो आपको इन्वर्टर बैटरी से ये कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये 12 वोल्ट में ही चलता है। इससे ज़्यादा अगर आप इसे पावर देंगे तो ये नहीं चल पाएगा। तो इस वजह से सबसे पहले हमने इसे अपनी बैटरी से कनेक्ट कर लिया है, और ये जो सेकेंड साइड का है ये आप यहाँ DC में यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करते ही आपकी ये जो लाइट है वो ऑन हो जाएगी। अब आपको यहाँ से चूज़ करना है कि आपको कोल्ड का ऑप्शन चूज़ करना है या हॉट लेना है। तो सबसे पहले हम कोल्ड का ऑप्शन चूज़ करके देखते हैं कि कैसी कूलिंग दे रहा है ये। तो हमने कोल्ड ऑन कर लिया है, तो सबसे पहले थोड़ी देर आप इसे ऑन करके रख दीजिए, और ऑन करने के बाद आप इसमें जो भी आपको रखना है, आपका ये जो है, ये जो अंदर का ये वॉल्स जो दे रखी हैं, ये कूल करना स्टार्ट हो गई हैं, ठंडी होनी स्टार्ट हो गई हैं। तो अब हम इसमें अपनी जो बॉटल है, वाटर बॉटल, वो एक बार रख के फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं थोड़ी देर बाद कि ये कितनी अच्छी कूलिंग दे रहा है वाटर में। ठीक है, सो
सो ये हमारी वाटर बॉटल है, बिल्कुल नॉर्मल वाटर हम इसमें रख रहे हैं देखने के लिए कि क्या कैसी कूलिंग एंड ऑल ये दे रहा है। तो ये हमने इसमें बॉटल रख दी और अब इसे हमने बंद कर दिया। सो गाइस 10-15 मिनट्स हो चुके हैं हमें बॉटल रखे हुए, चलिए देखते हैं कि कैसी कूलिंग हो रखी है। सो हम यहाँ से इसे ओपन करेंगे एंड ये हमारी बॉटल है। वाओ, आई मीन 10-15 मिनट्स में कितनी अच्छी कूलिंग की है इसमें, और ये भी बिल्कुल चिल्ड हो रखा है, बिल्कुल फ्रिज वाली फीलिंग आ रही है। जैसे आप घर पे एक बड़ा फ्रिज यूज़ करते हैं सेम वैसी इसमें क्वालिटी आपको मिल रही है। छोटा ही है लेकिन इसमें आपको बहुत अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं, आपको अगर विजिबल होगा तो ड्रॉपलेट्स आपको बॉटल पे भी दिख रहे होंगे कि इट मीन्स ये बहुत अच्छी कूलिंग है इसमें, तभी ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो उसमें बन रही है बॉटल में। तो बहुत ही अच्छी कूलिंग दे रहा है ये। चलिए अब हम देखते हैं कि अगर इसमें हम हॉट का ऑप्शन चूज़ करते हैं तो हॉट ये कैसे कर रहा है, चलिए करके दिखाती हूँ मैं आपको। सो गाइस अब यही बॉटल जो हमने अभी ठंडी की है, इसी बॉटल को अब हम गर्म करके देखेंगे कि कितनी देर में ये अच्छे से गर्म हो जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से जो आपने कोल्ड का ऑप्शन ऊपर चूज़ किया था, अब आपको इसे नीचे करके हॉट का ऑप्शन चूज़ करना है। ये आप हॉट करेंगे तो ये रेड लाइट ऑन हो जाएगी, अगर कोल्ड करते हैं तो ग्रीन लाइट ऑन होती है। तो हमारा हॉट का ऑप्शन चूज़ हो चुका है, अब हम इसे ओपन करेंगे और यही वाली बॉटल अब इसमें हम दोबारा अंदर डाल देंगे और इसे यहाँ से बंद कर देंगे। सो गाइस 15 मिनट्स हो चुके हैं हमें बॉटल अंदर रखे हुए, चलिए देखते हैं कि कितना गर्म हुआ है हमारा पानी। तो हम यहाँ से ओपन करेंगे इसे और ये हमारी वाटर बॉटल जो बहुत ही चिल थी, लेकिन अभी 15 मिनट्स में इसने इसे नॉर्मल बिल्कुल कर दिया है। लाइक अभी जितना हमने पहले पानी रखा था इसमें एकदम बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो सेम टेम्परेचर इसमें दोबारा हो चुका है। तो अगर आप 15 मिनट से ज़्यादा रखेंगे तो ये गर्म भी करना स्टार्ट कर देगा। तो आई मीन बहुत अच्छी क्वालिटी है, हीट भी बहुत अच्छा कर रहा है और कोल्ड भी बहुत अच्छा कर रहा है। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है ये प्रोडक्ट, क्योंकि इतने कम प्राइस में एक छोटा फ्रिज आपको मिल रहा है, प्लस इसमें हीटिंग का ऑप्शन भी है। तो आप चाहे इसे विंटर्स में यूज़ कर सकते हैं या समर्स में यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ अगर प्लान कर रहे हैं कहीं लॉन्ग ट्रिप पे जाने के लिए या रोड ट्रिप पे जाने के लिए, तो ये बहुत ही परफेक्ट चीज़ है आपके लिए। आप इसे इजीली इसे कैरी कर सकते हैं अपने कार में या अपने साथ भी हैंग करके आप कहीं पे भी कैरी करके लेके जा सकते हैं। सो गाइस जैसे कि आपने देखा कि आप इस कार रेफ्रिजरेटर को कितनी अच्छे से इजीली यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी इजीली आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी ट्रिकी नहीं है, कोई भी इसे आराम से यूज़ कर सकता है, और कितना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है आपको इस कार रेफ्रिजरेटर में, क्योंकि इतने कम प्राइस में ऐसी क्वालिटी अनएक्सपेक्टेड होती है, लेकिन आपको इतने कम प्राइस में इतने अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं और जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं। सो जैसा कि आपने वीडियो में देखा ही कि कितने कम समय में हमने जो भी उसमें लिक्विड रखा था कि कितने कम समय में काफ़ी अच्छे तरीके से उसने जो है ठंडा कर दिया था, और हमने जो गर्म करने के लिए चीज़ें रखी थी बहुत ही कम पीरियड ऑफ टाइम में उसने बहुत ही अच्छे तरीके से गर्म भी कर दिया था। तो इससे आप इसकी परफॉर्मेंस के बारे में जज कर सकते हैं। तो गाइस बहुत ही अच्छी क्वालिटी आपको मिल रही है बहुत ही चीपेस्ट प्राइस पे। अगर आप यही प्रोडक्ट ऑनलाइन पोर्टल पे देखते हैं तो काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट ले रहे हैं सेलर्स इस प्रोडक्ट का, लेकिन अगर आप यही प्रोडक्ट हमसे परचेज करना चाहते हैं तो बहुत ही चीपेस्ट प्राइस पे आपको ये प्रोडक्ट मिलने वाला है, दैट इज़ 1500 रुपीज़ ओनली। यस, सो बहुत ही कम प्राइस में हम आपको ये प्रोवाइड करा रहे हैं। और आप इस प्रोडक्ट को कैसे परचेज कर सकते हैं लिंक्स एंड ऑल, और अगर आप डायरेक्ट इसे परचेज करना चाहते हैं तो उसकी भी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। और अगर इस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपकी और कोई फर्दर क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वी विल ट्राई टू आंसर यू एज मच एज आई कैन। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए।